अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको बताऊंगा कि भाई पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड कप में कौन सा यूनिफॉर्म यूज़ किया और साथ ये भी आपको बताऊंगा किस वर्ल्ड कप में कौन जीता था। तो 2007 की बात करते हैं, तो 2007 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ था वो इंडिया जीत गया था। बहुत सनसनी खेज मुकाबला हुआ था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था मिसबाह उल हक ने लास्ट ओवर तक। 2009 में मुकाबला हुआ इंग्लैंड में और पाकिस्तान की ये जर्सी थी और यूनिस खान कैप्टन थे, जबकि इन्होंने श्रीलंका को हरा कर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। ये यादगार मौका था कि पाकिस्तान ने T20 2009 में अपना वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 2010 की बात करते हैं, 2010 में हम बता दें कि भाई 2010 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फाइनल हुआ था और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं था, तो ये इंग्लैंड जीत गया था 2010 का वर्ल्ड कप। उसके बाद वर्ल्ड कप आया 2012 में और यूनिफॉर्म कुछ इस तरह से थी, ग्रीन फुल। और 2012 का जो वर्ल्ड कप था श्रीलंका में हुआ था और वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के दरमियान फाइनल था, तो वेस्ट इंडीज़ जो है ये वर्ल्ड कप जीत गया था। 2014 में मैं आपको बता दूँ बांग्लादेश में ये फाइनल हुआ था, फाइनल के बाद श्रीलंका और इंडिया ने कम्पीट किया था, जबकि श्रीलंका ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया था। जी तो जनाब, 2016 का वर्ल्ड कप आ चुका है और 2016 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका था। फाइनल में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल हुआ था और वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये मुकाबला जीत लिया था। इसी तरह 2021 का जो मुकाबला है वो UAE ने होस्ट किया था, पाकिस्तान सेमीफाइनल से ही बाहर हो गया था ऑस्ट्रेलिया के हाथ और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को मैच हरा के वर्ल्ड कप जीत लिया था। अब बारी आती है अपने नए किट की 2022 की, जो इसका मकसद ही वीडियो का यही था कि हम अपनी नई किट को जो है वो डिस्प्ले कर सकें और आपको बता सकें कि हमारी न्यू जर्सी जो 2022 वर्ल्ड कप में होने जा रही है वो ये है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट आपको शेयर किए हैं, जैसे ये ऑफिशियल इन्होंने एक्सपोज किया तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।